तो दोस्तों, जैसा कि मैं कहा था कि आपके लिए फ्लिपकार्ट स्मार्ट बाई का भी रूम हीटर लेके आऊँगा, उसका अनबॉक्सिंग करेंगे और उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये हमारा बॉक्स आ चुका है जो कि फ्लिपकार्ट की तरफ से है, 2000 वाट का जो अपना रूम हीटर है उसके। तो ये वो प्रोडक्ट है, इसको करते हैं बाहर। और देखिए दोस्तों, इसके अंदर पैकिंग में इन्होंने कंजूसी किया है, सिर्फ़ एक ही ये फॉर्म लगा के भेजा है। और इस पैकेट में देखते हैं क्या क्या है। ये क्रोड पे इसके मेन लीड पे एक रबर का ये लगा दिया है पन्नी के अंदर। और ये इसका जो है लीड है, तो लीड लगभग दोनों का अमेजन का और इसका सेम ही है। तो ये फ्लिपकार्ट की अभी बात करेंगे, फिर कंपैरिजन वाला वीडियो भी बना के जल्द ही अपलोड करेंगे। तो ये इसका ये पन्नी था, ये हम इसको कर देते हैं साइड। और ये रहा इसका यूज़र मैनुअल, कैसे क्या यूज़ करना है उसके बारे में बताया गया है। तो इसको रखते हैं साइड में, ज़्यादा बातें नहीं करते हैं। इसमें भी सेम चीज़ ही है जो अपने पास अमेजॉन का आया था, वैसा ही ये भी है। ये फ्लिपकार्ट स्मार्ट बाई की तरफ से है, आप देख सकते हैं। तो इसमें भी वही सिस्टम दिया हुआ है, 0 फैन 1 2, ये 1000 वाट, ये 2000 वाट। तो इसका जो बटन है थोड़ा टाइट है। और ये भी थर्मोस्टेट वाला सिस्टम दिया हुआ है इसमें, तो इसको भी चालू करके देखेंगे। और इसके सामने वाले हिस्से में जो ये ग्रे कलर का दिया हुआ है, ये मेटल का है और जैसा उसमें था सेम ही ऐसा है। ये इसका फ्लिपकार्ट का जो स्टिकर लगा हुआ है ये है, यहाँ पे होल दिया हुआ है फ़ैन के लिए जो हवा को अंदर की तरफ लेके जाएगा। ये अंदर की तरफ हवा यहाँ से सक करेगा और यहाँ से बाहर निकालेगा। ये वाली बटन मैंने जो अमेजन वाला दिखाया था, अमेजन ब्लंट सोलमियो का, तो उसमें और इसमें सेम ही है, सेम चीज़ है। बस इसमें मुझे डिफरेंट समझ में आ रहा है तो सिर्फ इतना कि इसका जो बिल्ड क्वालिटी है, जो मटेरियल प्लास्टिक का मटेरियल है वो थोड़ा सा उससे कमज़ोर है, लेकिन इसमें रेट का भी डिफरेंस है, 100 या 150 रुपये उससे कम है इसका रेट। तो आप काम बिल्कुल सेम है, सामान भी बिल्कुल अंदर सेम ही लगा है, बस इसके अंदर जो फ़ैन है वो ब्लैक कलर का है, उसमें वाइट कलर का है। उसका फ़ैन हल्का बड़ा है, इसका छोटा है और सेम ही है। तो उसका जो कंपैरिजन वीडियो है दोनों को मैं साथ में डालूंगा। अभी इसका चालू करके देखते हैं। इसका लीड भी सेम ही है और लगता है अमेजॉन ब्रांड सोलमियो के जो प्रोडक्ट है उससे हल्का ये बड़ा है। तो अभी इसको हम प्लग करते हैं। इसी में इसमें भी पावर प्लग की ज़रूरत पड़ने वाली है, तो हमने इसको प्लग कर दिया है और बटन ऑन करते हैं। और यहाँ से हम इसको ये थर्मोस्टेट वाला जो सिस्टम है इसको चालू कर देते हैं और ये हवा देने लगी है, यहाँ से हवा आ रही है। अब हम इसको 1000 वाट में करते हैं। तो ये दोस्तों, ये भी नया है तो थोड़ा सा बदबू आ रही है, लेकिन ये हवा जो है 1000 वाट में ही काफ़ी गर्म दे रही है। और 2000 वाट भी करके देखते हैं, ये देखिए। और इस थोड़ी देर में मैंने इसको यूज़ किया तो यहाँ पे रेड रेड हो जा रही है, जो इसका एलिमेंट लगा हुआ है अंदर का हीट एलिमेंट, वो यहाँ पे रेड हो रहा है। हवा लगता है वहाँ पे प्रॉपर नहीं पड़ता है, काफ़ी गर्मी है। और दोस्तों, इन चीज़ों को उपयोग करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहूँ, तो ऐसे इनके सामने कोई भी ऐसा चीज़ ना रखें प्लास्टिक का जिससे ये पिघल जाए। तो सेम चीज़ है, वही है, बस ये भी अच्छा है, ठीक ठाक क्वालिटी में। इसका वज़न जो है ये 1095 ग्राम है, जो अमेजॉन ब्रांड सोलमियो का था उसका वज़न 1200 ग्राम था, नेट 1200 ग्राम, और इसका वज़न 1095 ग्राम, मतलब 100 ग्राम का डिफरेंस है। तो रेट भी में भी थोड़ा सा ये कम है उससे, तो थोड़ा डिफरेंस तो आएगा ही। तो इसको करते हैं बंद, पहले फ़ैन मोड में करेंगे। ये फ़ैन मोड में है, ये भी चल रहा है। जब थोड़ी ये ठंडा हो जाए, इसके जो सामने का भाग है ये ठंडा हो जाए, उसके बाद बंद करना है। तो ये वीडियो दोस्तों कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। और भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ये सारी वीडियो आपके लिए बनाते रहता हूँ ताकि आपका हेल्प हो सके। तो थोड़ी हेल्प मेरा भी कीजिए चैनल को सब्सक्राइब करके, क्योंकि इसी तरह का वीडियो लाता रहता हूँ। तो अभी ये ठंडा हवा देने लगा और ये ठंडी हो गई, तो हम इसको बंद कर देंगे। और हमेशा पावर प्लग में ही इसका उपयोग करें, नॉर्मल वायरिंग में आप अगर इसका उपयोग करते हैं तो वायरिंग ख़राब हो सकती है, बोर्ड भी ख़राब हो सकता है। लेकिन इसका फिनिशिंग जो यहाँ की है ये उतना अच्छा नहीं है जितना अमेजॉन का था।
तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताइए। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो है अमेजॉन का और फ्लिपकार्ट का, दोनों के बीच में जो डिफरेंस रहेगा मैं उसकी बात करूँगा। अभी फ़िलहाल ये फ्लिपकार्ट स्मार्ट बाई का था, जैसा कि मैंने कहा था अमेजॉन ब्रांड सोलमियो का जो रिव्यू किया है उसके बाद मैं फ़्लिपकार्ट का करने वाला हूँ, तो ये मैंने कर दिया। कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा। इसका वज़न 1095 ग्राम है, ये फ्लिपकार्ट स्मार्ट बाई का प्रोडक्ट है और वो अमेजॉन ब्रांड सोलमियो का था। तो अभी दोनों को हम कंपेरिजन करने वाले हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में। अभी अगर इसमें करूँगा तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो आपको भी मज़ा नहीं आएगा। लेकिन मेरे ख्याल से जहाँ तक है इसकी मैंने फुल जानकारी दे दी है, सेम ही है। कोई भी रूम हीटर लोगे आप सभी में सेम ही चीज़ें पाओगे, बस रेट का डिफरेंस रहता है और कंपनी ब्रांड के हिसाब से अपना रेट रखती है, तो उसमें मत जाइए, काम चल जाएगा। इसमें भी काफ़ी गर्मी है। और जहाँ तक हीट की बात करूँ तो अमेजॉन ब्रांड सोलमियो से इसकी हीट ज़्यादा है, क्योंकि इसमें जो है पंखी वो छोटा है, हवा हल्का कम देता है, इसलिए गर्मी ज़्यादा है। और यहाँ ये इससे टेंशन लेने की बात नहीं है, जो ये आगे का पोर्शन है ये मेटल का है, ये गर्म भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं करेगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।